आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज की मैं बिंटिक लालटेन के 597 शोध में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं अयोध्या के बारे में, भगवान श्री राम नगरी अयोध्या, अवध नगरी अयोध्या, इसके बारे में हम आपसे बात करने जा रहे हैं। शुभ दिन आ गया है, भगवान राम लला वहां विराजेंगे, प्राण प्रतिष्ठा। राम नगरी अयोध्या का वैभव, विवाद, विध्वंस, निर्माण, प्राण प्रतिष्ठा, सब कुछ हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज ब्यूटी के लाल टेन के 597 एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। सरयू नदी के तट पर, सरयू नदी के तट पर अयोध्या अवध नगरी बसी हुई और सरयू नदी के तट पर भगवान राम की नगरी, जिसे अवध नगरी या अयोध्या के नाम से भी जाना जाता है, वह मूलतः देवालयों का शहर या मंदिरों का शहर कहा जाता है। अयोध्या नगरी में को बसाए जाने के संदर्भ में जो इतिहास में प्रमाण मिलते हैं उसके अनुसार वैवस्वत मुनि के द्वारा इस नगरी को बसाया गया। अयोध्या में सूर्यवंशी राजाओं का प्रताप महाभारत काल तक चलने के रहने के प्रमाण भी मिलते हैं। वैवस्वत मनु या श्राद्ध देव मनु के बारे में प्रमाणों में जो कुछ उल्लेख मिलता है उसके अनुसार वे मानव जाति के प्रणेता या प्रथम पुरुष स्वयंभू मनु के उपरांत सातवें मनु थे। प्रत्येक मनवंतर में एक प्रथम पुरुष होता है जिसे मनु की संज्ञा दी जाती है। वर्तमान काल में वैवस्वत मनवंतर चल रहा है जिसके प्रथम पुरुष, प्रथम व्यक्ति, प्रथम देव वैवस्वत मनु थे, जिनके नाम पर मनवंतर का भी नाम है। पुराणों में मिलने वाले उल्लेख के अनुसार ब्रह्मांड के राजा भगवान सूर्य को ब्रह्मांड का राजा माना जाता है। भगवान सूर्य का विवाह है विश्वकर्मा भगवान की पुत्री संज्ञा के साथ हुआ था। विवाह के उपरांत उनकी पत्नी संज्ञा ने श्राद्धदेव और यम अर्थात यमराज नामक दो पुत्र और यमुना, जिन्हें हम नदी के पुण्य सलिला यमुना कहते हैं, वो एक पुत्री को उनके द्वारा जन्म दिया गया था। यही विश्वाल विवस्वान यानी सूर्य के पुत्र वैवस्वत मनु कहलाए। अयोध्या के बारे में अगर आप इतिहास खंगा लें तो इस अवध नगरी में के दशरथ महल में ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का अवतार हुआ था। वैभव युक्त संपन्न धन संपदा रत्न आभूषणों संस्कारों से परिपूर्ण इस अवध नगरी की अतुलनीय छता और सुंदर भवनों का वर्णन महर्षि वाल्मीकि रामायण में भी देखने को मिलता है। वहां पर आप देखेंगे महर्षि वाल्मीकि रामायण में ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। यही कारण है कि महर्षि वाल्मीकि के द्वारा अपने इस महाकाव्य में अयोध्या शहर की तुलना करते हुए इसे दूसरा इंद्रलोक भी कहा था। हर तरह से संपन्न अयोध्या नगरी के बारे में कहा जाता है कि भगवान श्री राम के द्वारा जल समाधि लेकर मानव देह त्यागने के उपरांत अयोध्या का वैभव पूरी तरह समाप्त हो गया था। या यूं कहा जाए कि अयोध्या नगरी अवध नगरी उजाड़ हो गई थी तो अतिशयोक्ति नहीं। कालांतर में भगवान श्री राम के दो पुत्र लव और कुश, कालांतर में भगवान श्री राम के पुत्र कुश के द्वारा एक बार फिर अयोध्या नगरी का पुनर्निर्माण कराया गया और इसकी आभा पहले की ही तरह हो गई। दूसरी बार शहर एक सुंदर शहर में तब्दील हो गया। अयोध्या में सूर्यवंश जो कुल था उनकी 44 पीढ़ियां इस नगरी के उतार चढ़ाव की साक्षी रही हैं। उनका अस्तित्व पूरी तरह आभा मंडल ही रहा है। महाभारत युद्ध के उपरांत अयोध्या एक बार फिर उजड़ी और यहाँ लगभग वीराने से जा पड़ी। पौराणिक कथाओं में इसका उल्लेख मिलता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम
भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या और यहाँ के देवालयों के बारे में, तो देवालयों पर बार बार आक्रांताओं के आक्रमण का सामना इसे करना पड़ा। मुगल आक्रांताओं के द्वारा भी अयोध्या को तहस नहस करने के लिए अनेक बार अभियान चलाए गए, आक्रमण किए गए, बावड़ी का ढांचा यहाँ खड़ा किया गया, अनेक देवालयों को जमीन दोस्त कर दिया गया, अनेक मस्जिदों का निर्माण वो मुगल आक्रांता जो उस समय आए थे उनके द्वारा यहाँ पर कराया गया, किंतु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि जस की तस जैसी की तैसी ही बनी। जो प्रसंग मिलते हैं उनके मुताबिक अयोध्या नगरी का इतिहास वैसे तो त्रेता युग से पहले का है, पर हमारी समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की टीम के द्वारा, रिसर्च टीम के द्वारा ये कोशिश की गई है कि इस स्थल के बारे में जो भी प्रसंग मिले उनके आधार पर लगभग 5 सदियों का, 500 साल का इतिहास आपसे साझा किया जाए। 1528 से वर्तमान 2024 तक लगभग 496 सालों में भगवान श्री राम की जन्मभूमि, श्री राम जन्मभूमि प्रसंग अनेक, उसमें अनेक मोड़ आए। कभी स्याह अंधकार, काला अंधकार पथरा रहा तो कभी दीपावली मनाई जाती रही। अंततः 9 नवंबर 2019 को 5 न्यायाधीशों वाली संविधानिक पीठ के द्वारा श्री राम जन्मभूमि के संबंध में ऐतिहासिक फैसला किया। वैसे श्री राम जन्मभूमि प्रकरण के बारे में यह भी कहा जाता है कि देश में जितने भी प्रकरण चले हैं उसमें सबसे अधिक, सबसे लंबा समय तक ये प्रकरण चले। आइए सबसे पहले हम आपको 1528 में मुगल आक्रांता बाबर सबसे पहले आए थे। बाबर के एक बहुत गरीबी सिपाही सलाहकार, विशेष सिपाही सलाहकार मीर बाकी के द्वारा अयोध्या में विवादित स्थान पर मस्जिद का निर्माण कराया गया। उस समय भी हिंदू धर्मावलंबियों के द्वारा यह दावा किया गया था कि ये भगवान श्री राम की जन्मभूमि है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जन्मभूमि है, यहाँ एक प्राचीन देवालय था, ये उनके द्वारा कहा गया था। और ये भी कहा गया कि मस्जिद के 3 गुंबदों में से 1 गुंबद के नीचे भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म था। इसके बाद लगभग 325 साल तक विवाद चलता रहा, छिटपुट विवाद चलता रहा, थोड़ा बहुत आपस में तकरार चलती रही। उसके बाद 1853 में श्री राम जन्मभूमि के जिस स्थान पर मस्जिद का निर्माण कराया गया था उस स्थान के आसपास पहली बार सद्भावना बिगड़ी। आपसी तकरार के साथ ही भयानक तौर पर दंगे होने की बात भी था, ये बात भी दंगे होने की बात भी प्रकाश में आती है। कुछ समय तक अंग्रेज शासकों द्वारा इस पर काबू करने का प्रयास किया गया, जब वे सफल नहीं हुए तो 1859 में अंग्रेज हुक्मरानों के द्वारा विवादित स्थल को बाढ़ से घेर दिया है, एक बाढ़ लगा दी गई और मुस्लिमों को ढांचे के अंदर, हिंदुओं को ढांचे के बाहर चबूतरे पर पूजा करने की इजाजत। इसके बाद लगभग 90 साल के उपरांत 23 सितंबर 1949 आजादी के उपरांत 2 साल के एक बार फिर विवाद सुलगता हुआ प्रतीत हुआ। बाबरी ढांचे में राम, भगवान श्री राम की प्रतिमाएं मिली। इसके बाद हिंदू धर्म द्वारा ये कहा गया कि भगवान राम स्वयं प्रकट हुए। प्रकट होना एक बड़ी, उस समय बड़ी बात थी। इस हिंदू धर्म धर्मावलंबियों के द्वारा राम लला का भगवान राम के प्रकट होने की बात कही तो मुस्लिम समुदाय के द्वारा आरोप लगाया गया तो किसी ने चुपके से इन प्रतिमाओं को अंदर। अयोध्या में कानून और व्यवस्था की स्थिति निर्मित होने के बाद उत्तर प्रदेश में, चूंकि उस समय राष्ट्रपति शासन लगा हुआ इसलिए तत्कालीन राज्यपाल के द्वारा प्रतिमाओं को तत्काल हटाने के लिए जिला दंडाधिकारी के नायर, उस समय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलेक्टर हुआ करते थे, उन्हें आदेश दिया, किंतु डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुंचे, दंगे न भड़के, इस डर से राज्य शासन के आदेश को मानने में अपनी असमर्थता।
उसके बाद सरकार के द्वारा यहाँ इस पर ताला लगा दिया, विवाद की स्थिति ना पैदा हो, ताला लग गया। अगले ही साल 1950 में फैजाबाद के न्यायालयीन अधिकार वाले अयोध्या, क्योंकि अयोध्या फैजाबाद कोर्ट के अधीन आता था, फैजाबाद के सिविल कोर्ट में दो अर्जियां दाखिल की गई। पहली अर्जी विवादित भूमि पर रामलला के पूजन अर्चन की इजाजत और दूसरी प्रतिमा रखे जाने को लेकर बताई प्रकाश में। इसके बाद 1959 में निर्मोही अखाड़े के द्वारा तीसरी अर्जी भी दाखिल कर दी। लगभग 11 साल के उपरांत उत्तर प्रदेश रोहतिनी वक्फ बोर्ड द्वारा न्यायालय में एक आवेदन दिया जिसमें विवादित भूमि पर कब्जा दिलाए जाने और प्रतिमाओं को हटाने की मांग। उसके बाद ही विश्व हिंदू परिषद ने भी अपना पक्ष रखना आरंभ किया। इसके लगभग 23 साल बाद 1984 में विवादित ढांचे के स्थान पर मंदिर बनाए जाने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया। 2 साल के उपरांत फैजाबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के एम पांडे के द्वारा 1 फरवरी 1986 विवादित स्थान पर हिंदुओं को, हिंदू धर्मावलंबियों को पूजा करने और विवादित स्थान ढांचे को ताले से मुक्त करने का आदेश दे दिया। इसके बाद ये मामला सुर्खियों में बहुत ज्यादा नहीं रहा। 6 दिसंबर 1992 को विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना सहित अनेक संगठनों के द्वारा लाखों की तादाद में कार्यकर्ताओं, इनके कार्यकर्ता बीएचपी और शिवसेना के कार्यकर्ता अयोध्या पहुंचे और विवादित ढांचे को उनके द्वारा गिरा दिया। इसके बाद ये बहुत ज्यादा सुर्खियों में आया, उसके पहले भी जब ईंटें जा रही थी तब भी सुर्खियों। देश भर में दंगे, पूरा देश दंगे की चपेट में चला गया। देश में सांप्रदायिक दंगे हुए और बड़ी तादाद में लोगों को जान गंवानी पड़ी, माल का नुकसान हुआ। लगभग 18 साल बाद 2010 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा एक फैसला देते हुए विवादित भूमि को रामलला विराजमान सुन्नी वक्फ बोर्ड और निर्मोही अखाड़ा तीनों के आवेदन थे को बराबर हिस्सों में। अगले ही साल 2011 में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगा दी। इसके बाद 2017 में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का प्रस्ताव इतने उतार चढ़ाव लगा। 8 मार्च 2019 को सर्वोच्च न्यायालय की सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इसे मध्यस्थता के लिए भेजा गया। 8 सप्ताह के अंदर कार्यवाही पूरी करने का निर्देश दिया। इसके बाद 1 अगस्त 2019 को मध्यस्थता पैनल के द्वारा अपनी रिपोर्ट पेश की गई और 2 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि मध्यस्थता पैनल भी समाधान निकालने में सफल नहीं। 6 अगस्त को सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इस मामले की सुनवाई रोजाना आरंभ की गई। 16 अक्टूबर को सुनवाई पूरी, टीवी लगातार सुनवाई। 16 अक्टूबर को सुनवाई पूरी होने के बाद इस मामले के फैसले को सुरक्षित रख लिया। 9 नवंबर 2019 वो एहतियात देश की सबसे बड़ी अदालत सर्वोच्च न्यायालय 5 न्यायाधीशों की बेंच ने श्री राम जन्मभूमि के पक्ष में फैसला सुनाया और 2.77 एकड़ विवादित भूमि को राम मंदिर हेतु एवं मस्जिद के लिए 5 एकड़ भूमि पृथक से मुहैया कराने के निर्देश दिए। 25 मार्च 2020 को लगभग 3 दशकों के बाद रामलला टैंक से निकलकर एक फाइबर के निर्मित मंदिर में वे आकर विराजे और उसके बाद 5 अगस्त को यहाँ मंदिर का भूमि पूजन किया गया। माफ कीजिए, 23 नहीं, 5 अगस्त को ही वहां उस समय ही भूमि पूजन हो गया था। 2023 में श्री राम की नगरी अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बनकर तैयार। यहाँ 2024 जो चल रहा है इसकी 22 तारीख को राम नगरी में
राम लला का अभिषेक होगा। पांच सदी अर्थात लगभग 500 साल से चले आ रहे विवाद का पटाक्षेप भी इसी दिन हो जाए। अवध नगरी अयोध्या लगभग एक महीने से दुल्हन की तरह सजाया, यहाँ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या धाम कर दिया, यहाँ के एयरपोर्ट अयोध्या के एयरपोर्ट का नाम अब महर्षि वाल्मीकि विमानस्थल रख दिया गया कैबिनेट टेबल की मंजूरी। 22 जनवरी 2024 को रामलला के मंदिर के भव्य उद्घाटन के उपरांत श्रद्धालु यहाँ जब चाहे तब दर्शन करने जा सकते हैं। उम्मीद ये है कि वैष्णो देवी तीर्थ शिरडी के साईं बाबा तिरुपति बालाजी तिरुमला में जो बालाजी विराजे वैसा ही उससे ज्यादा भव्य यहाँ पर वातावरण रहेगा, ये उम्मीद होती है। यहाँ जो भी जानकारियां दी गई है जो मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है, यहाँ ये बता रहा जरूरी है कि नवाचार एजेंसी ऑफ इंडिया किसी भी तरह की मान्यता जानकारी की पुष्टि नहीं करता है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने के पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लेने माफ कीजिएगा। ये पूरी जानकारी जो संदर्भों से संकलित की गई है टिंटी की लाल टिंटी 597 एपिसोड में। फिलहाल इतना ही। समाचार एजेंसी इंडिया के साइन न्यूज में लिंटी की लाल टेन हर रोज सुबह 7 बजे प्रसारित की जाती है। अगर आप समाचार एजेंसी इंडिया के साइन न्यूज में लिंटी की लाल टेन देखना चाहते हैं तो समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के न्यूज चैनल या साइन न्यूज के न्यूज चैनल या समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। अगर आपको ये सब पसंद आ रही हो, खबरें पसंद आ रही हो, तो आपने लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ मिनटी की लालटेन का 598 एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल इजाजत देना चाहेंगे। जय हिंद।